चिड़चिड़ापन, घटती याददाश्त, कंसंट्रेशन एवं सहन शक्ति। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सभी बच्चों की इन आदतों को अपने घर परिवार में देख रहे हैं। उनकी याददाश्त तो कम हो रही है क्योंकि कोरोना काल में बच्चों के याददाश्त पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उनकी खेल कूद की जो शैली थी वो बदल गई। घर ही घर में रहना, लैपटॉप मोबाइल में लगे रहना, खाली इतना ही नहीं है, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देने का प्रयास करें तो उसके लिए हमें भी कुछ प्रयास करना होगा। अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप योग करो तो बच्चे नहीं करेंगे। इसके लिए आपको स्वयं को, अपने आप को बदलना होगा। बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। अगर पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे भी करेंगे। बेशक थोड़ा कुछ दिन बाद करना शुरू करेंगे, करेंगे जरूर, क्योंकि मैंने सिंधिया कन्या विद्यालय में लंबे समय तक कराया है तो बच्चों में योग करने के साथ जो परिवर्तन देखा है वो वास्तव में बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा था। योग और प्राणायाम, अगर बच्चे ये सब कुछ करते हैं और थोड़ा खुली हवा में दौड़ लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर फिर से पहले जैसे जो हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहते थे और उनको खेल खेल में सब कुछ याद भी हो जाता था। देखिए, नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो भी कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेते थे, और पढ़ने वाले बच्चों का तो कहना ही क्या है, क्योंकि आज हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, दूसरे बच्चों से बहुत आगे निकले। तो दूसरे बच्चों से आगे निकलने के लिए उनकी अंदर एक क्षमता भी तो पैदा करनी होगी, और वो क्षमता आएगी योग से। आज मैं थोड़े से आसन प्राणायाम करके बताऊंगी कि आप स्वयं करें, अपने साथ बैठ के बच्चों को कराएं। जब आप स्वयं करेंगे और बच्चों के साथ बच्चे बन के करेंगे तो बच्चे जरूर करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ना करें। अपनी जीवन शैली को आप स्वयं बदलें, समय पर उठें, समय पर सोएं, क्योंकि खाली चाहने से बच्चे कुछ नहीं करेंगे। बच्चे देखेंगे, आप उठेंगे, आप उन्हें उठाएंगे, बच्चे उठने लगेंगे। बच्चे तो बहुत जल्दी बड़ों को देख के अपने आप को बदल लेते हैं, पर बड़े ही अपने आप को नहीं बदल पाते। आपको अपना भविष्य सुधारना है तो खुद को पहले अपने अंदर ये बदलाव लाएं और बच्चों से फिर आशा करें। तो आज मैं थोड़े से आसन, कुछ प्राणायाम ये करके बताऊंगी ताकि बच्चे लोगों के, उनकी आई साइट के ऊपर, उनकी मेमोरी के ऊपर, उनके क्रोध को दूर करने के लिए, सबके लिए थोड़े से आसन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम पर्याप्त है, क्योंकि आज बच्चों के पास भी बहुत समय नहीं है। उनको ट्यूशन जाना रहता है, स्कूल की पढ़ाई अलग है, होमवर्क रहता है, अपनी खुद की स्टडी रहती है, तो इतना वक्त तो वो नहीं निकाल पाते। तो मैं आपको 2-3 सूर्य नमस्कार करूंगी। बच्चे लोग भी अगर 9-10 भी कर लेंगे तो बहुत है, और मैंने कहा 1 मिनट में बच्चे लोग 4 बार कर सकते हैं, मैं खुद भी कर लेती हूँ तो बच्चे भी कर लेंगे। तो उनको 3-4 मिनट देना सूर्य नमस्कार को, थोड़े से समय आसन को। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार ही करके दिखा रही हूँ कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। हालांकि मेरा इसमें लिंक है, मैं वो शेयर करूंगी। सबसे पहले नमस्कार आसन करेंगे और सूर्य की ओर, जिधर सूर्य का मुंह है उधर ही हमारा चेहरा होना चाहिए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आंखें बंद कर लेंगे। सांस भरते हुए राइट लेग को पीछे ले गए, शरीर को आगे की ओर खींचा, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल एक ये वाला स्लाइडिंग पोज होना चाहिए, बस संतुलन आसन का यही है पोज। ये बहुत प्रभावशाली है फैट लॉस करने के लिए भी। और यहाँ पर ब्रीद आउट हमने कर लिया है, अब सांस लेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं।
सांस भरते हुए ये भुजंगासन, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाला। ब्रीद आउट पर्वतासन, फिर से जो राइट लेग ले गई थी वही पांव सांस भरते हुए आगे ले आई। ब्रीद आउट करते हुए दूसरा पांव भी आगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाया, पीछे ले गए और नमस्कार। मैं एक बार और करके दिखा रही हूं, अभी मैं बोलूंगी नहीं, करके दिखा रही हूं सांस के साथ केवल। मैंने सूर्य नमस्कार 2 राउंड में किया है, बच्चे लोगों से कम 10 से 12 बार कराए, वो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा। अब इसके बाद जो आसन करना है वो लेट के ही करना है, उन्हें एक भुजंगासन उल्टे लेट के जो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ये भुजंगासन उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, लंग्स को हेल्दी बनाएगा, फ्लेक्सिबल भी बनाएगा। सांस भरते हुए पूरा से पीछे की ओर ले जाए, कोहनी सीधी। अब लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, यहाँ 1 से 2 मिनट बच्चे रुके और उसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाए। इसका भी कम से कम 2 से 3 बार अभ्यास। इस एक आसन के बाद सीधे लेट के ही आसन है, आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं। सीधे लेट के किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले मैं सर्वांग आसन करके दिखा रही हूं। ब्रीद आउट, सांस भरते हुए पैरों को ऊपर ले गई, पीठ सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास और इस पोज में 1 से 2 मिनट रुके। और 2 मिनट रुकने के बाद फिर से ब्रीद आउट करते हुए पैरों को पीछे लाए, सांस भरते हुए सीधे। ये था सर्वांगासन। ये बच्चों की हाइट के लिए, मेमोरी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद एक अभ्यास चक्रासन। जब हम अपने शरीर को उल्टा मोड़े थे, अभी उसे सीधा करना है गर्दन को। ये देखिए, सांस भरते हुए उठे, बच्चों के लिए खेल खेल में, और आंखें बंद है, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। ये सब उनके मेमोरी को शार्प करने के लिए है, उनके पूरे शारीरिक विकास के लिए है। आंसुओं को करने से उनका चिड़चिड़ापन, क्रोध, सभी कुछ शांत होगा। ये था चक्रासन। इसके बाद शीर्षासन। देखिए, शीर्षासन का अभ्यास तो पहले उन्हें सिखाना पड़ेगा, हालांकि बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। लेकिन बच्चों के लिए तो एक बार उन्हें सिखाना पड़ेगा ताकि वो कर सके। हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और ये हाथ यहां लगा देंगे, सिर को नीचे,
और अब धीरे से पैर को उठा करके ये उनके शारीरिक विकास के लिए बेस्ट आसन है। इस आसन को करने से उनकी आंखें सदा अच्छी रहेंगी, मेमोरी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो आज में चिड़चिड़ापन आ रहा है वो सब भी दूर होगा और कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ेगा। और ऐसा 2 मिनट कम से कम रुकने के बाद कुछ सेकेंड वो ऐसे ही आराम करेंगे। इस आसन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। पहले उनको दीवार के सहारे करने की हैबिट डालें, फिर वो उनका बैलेंस बनने लगेगा तो वो बीच में भी कर लेंगे। ये मैंने थोड़े से आसन बताए हैं और एक आसन में और बता रही हूँ कंसंट्रेशन के लिए ही है, वो है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए ये देखिए एड़ी मैंने यहाँ लगा ली है और ऐसे ही दूसरे साइड से भी है। ये वृक्षासन था। वृक्षासन कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे उनकी एकाग्रता को बढ़ेगी, याददाश्त, और जो मैंने बोला बच्चों में आज जो एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन, क्रोध, तनाव, इन थोड़े से आसनों को करके, सूर्य नमस्कार को करके निश्चित रूप से आप मानिए कि उनके व्यवहार में बदलाव आएगा और वो बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई स्टडी में आगे बढ़ेंगे। हेल्थ तो इम्प्रूव 100% होनी है इन आसनों से। अब मैं आपको 2 प्राणायाम बता रही हूँ और 1 प्रातः का अभ्यास। प्रातः का अभ्यास क्योंकि आज बच्चों को अधिकतर समय मोबाइल और लैपटॉप में उनका बीत रहा है तो आंखों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव है। आंख के डॉक्टर के पास जाने वाले सबसे अधिक बच्चे ही है। बड़े तो देखिए उम्र के साथ आंख होती है खराब, लेकिन बच्चों की तो इतनी कम उम्र में नहीं होनी चाहिए, पहले होती नहीं थी। अगर अभी देखिए कितनी छोटी 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में बच्चों को चश्मा लग गया है। तो इसके लिए मैं आपको जहां भी बैठे बस अपने हाथ के अंगूठे में एक पतली सी लाइन पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर लें। अंगूठे में यहाँ पहले जोड़ में कई गहरी लाइनें हैं सिर्फ एक लाइन के ऊपर, और तब तक लगातार देखें जब तक कि आंख से पानी नहीं आ जाए। देखना तो देखिए 2 से 5 मिनट है, जब पानी आ जाए तो फिर से एक बार आंख बंद कर लें और दोबारा शुरू करें थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकेंड रेस्ट करके फिर शुरू करें। तो ऐसा जब ये करेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो आंखों की ज्योति है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। या पेंसिल की नोक ले लें और उसको लगातार देखें और वो जो उसकी ऊंचाई है वो अपने आंख की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए पेंसिल की नोक की, और उसे लगातार देखें जब तक कि आंख से पानी नहीं आने लग जाए। पानी आने लगेगा तब आंख ऐसे बंद कर लें, थोड़ा सा आंखों को रिलैक्स दें और उसके बाद फिर से करें। ऐसा 5 मिनट तक करने से ये भी उनकी मेमोरी को शार्प करने के लिए है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए है, और उनके अंदर जो आज बच्चों में मैंने बोला कि क्रोध चिड़चिड़ापन आ रहा, जब मन शांत रहेगा इसको करने से तो उनको क्रोध नहीं आएगा और आंखों की ज्योति बढ़ेगी। तो चश्मा अच्छी बात है, लंबे समय तक दूर रहेगा, आंख का काम तो हमेशा ही पड़ना है। तो चलिए मैंने उनको जितनी चीज़ बताई है अब सिर्फ 2 प्राणायाम इसमें और जोड़ देते हैं। एक है कपालभाति, दूसरा है भस्त्रिका। क्योंकि बच्चों का प्राणायाम में बहुत मन नहीं लगता है और लास्ट में बस ओम चैंटिंग करके उनकी बस इतना ही उनके लिए पर्याप्त है। तो मैं सबसे पहले कपालभाति कर देती हूँ। कपालभाति में क्या करना है, एक्सहेलेशन फास्ट स्लो शुरू करेंगे, फास्ट पे लाएंगे और स्लो करते हुए बंद कर देंगे।
ये था कपालभाति, जिसका 2 मिनट कम से कम मुझे अभ्यास करना है लगातार, और धीरे धीरे जब समय सीमा बढ़ा सकें तो, क्योंकि कपालभाति मेमोरी को शार्प करती है और दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। और दूसरा है भस्त्रिका, ये भी मैं करके दिखा देती हूँ। बच्चे इसको बहुत मन से करते हैं, बस जल्दी जल्दी सांस भरना छोड़ना है, उनको ये खेल लगता है और वो आसानी से कर लेते हैं। मेरे पास एक अभी 5 साल की बच्ची आती है, उसका मैंने वीडियो डाला है, वो इस प्राणायाम को सबसे पहले मन से करती है। बोले कि और चीज़ ना आप मत कराइए, ये करा लीजिए। तो अभी बच्चों को आप कपालभाति और एक भस्त्रिका का अभ्यास कराइए। तीसरा मैंने बोला ओम चांति, आप भी उनके संग बैठ के करिए, वो भी करेंगे। बस ऐसा 11 बार ओम चैंटिंग करा के बस उनकी क्लास खत्म करवा दें। अगर वो बच्चे इतना करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे उनके अंदर अंतर, और कोई बहुत दिन नहीं लगेगा, 1 महीने में आपको अंतर दिखने लगेगा। आप करवा के देखिए, मेरी बात मानिए, क्योंकि मेरे पास 6-7 साल का अनुभव है। मैंने सिंधिया कन्या विद्यालय में बच्चों को ही कराया है, और उस 6th से लेके 5th, 6th, 7th, 8th ऐसे बच्चे मेरी क्लास में थे। तो मैंने उनको जब योगा कराया तो उनके अंदर बहुत बड़ा अंतर था, मेमोरी में, बच्चों बड़ों की बात मानने में, उनकी जो कुछ श्रृंखलता थी वो भी उनकी समाप्त हो गई थी। तो आप भी ऐसा कुछ ये करवा के देखिए। बस थोड़े से आसन मैंने बोला सूर्य नमस्कार, ये 4-5 आसन, और उसके बाद बस प्राणायाम। ये मात्र आधे घंटे का भी नहीं है, आप करवा के देखिए। अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को जरूर मुझे करके बताएंगे कि कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।